बारिश के मौसम में चाय के साथ अगर पकोड़े हो जाएं तो मजा ही आ जाता है। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ पालक के पकोड़ों की बहुत ही आसान रेसिपी। आपके पालक के पकोड़े बनेंगे इतने क्रिस्पी कि आप हर बार यही बनाकर खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पर लिया है मैंने पालक, तो पालक को हम बारीक बारीक काट लेंगे और इसे अब हम अच्छे से पानी में वॉश करेंगे। तो 3 से 4 बार वॉश करेंगे क्योंकि पालक में बहुत ज्यादा मिट्टी होती है। अब इसे मैंने छान कर इसे ट्रांसफर कर लिया एक बाउल में। इसमें हमारा जाएगा प्याज जिसे कि मैंने लंबा लंबा काट लिया है, साथ ही इसमें हमारी जाएंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ ही इसमें हमारा जाएगा बेसन। यहाँ पर मैंने 1/2 कप से 2 चम्मच ज्यादा डाला है बेसन। साथ ही डाल लेते हैं स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, साथ ही डाल लेते हैं 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच साबुत धनिया, यहाँ पर मैं साबुत धनिया डाल रही हूँ, और थोड़ी सी अजवाइन जिसे कि हम हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। इसे क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डाल लेते हैं 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर। अगर राइस फ्लावर ना हो तो आप इसमें मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। तो इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे, हम पालक और प्याज के साथ बेसन को अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि पालक और प्याज में बहुत सारा पानी होता है। बस अब मैं इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको जरूरत लगे तो आप थोड़ा सा ज्यादा और डाल सकते हैं। आप टेक्सचर देख सकते हैं बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम अपने पकौड़ों को फ्राई होने के लिए डाल लेते हैं। तो छोटे छोटे पकौड़े मैं हाथ से ही डाल रही हूँ। यहाँ पर जो फ्लेम है वो आपकी मीडियम रहेगी। अगर आप तेज फ्लेम पर अपने पकोड़ों को तल देंगे तो आपके पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे क्योंकि जो हमारा बैटर है वो थोड़ा सा थिक है। तो बस हमें पकोड़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक पकाना है जब तक ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो इस तरह से अलट पलट करते रहेंगे और चलाते रहेंगे अपने पकोड़ों को। हमारे पकोड़े बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। तो बस इसे ऑयल में से निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी हमारे पकोड़ों का तल लेंगे। चेक करते हैं कि हमारे पकोड़े कितने खस्ता बने हैं। सर्व करते हैं इसे धनिया पुदीने की हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ। और आप पकोड़ों का साउंड आपने सुना, जब मैं उसे प्लेट पर से उठा रही हूँ तब भी उसमें से क्रिस्पी साउंड आ रहा है, और जब हम उसे प्लेट में डाल रहे हैं तो भी बहुत क्रंची साउंड आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो इसे लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।